This movie is encoded by Dr. Star. इसकी तो मैं ओह लगता है वही है, ये बहुत ज्यादा भारी है। 12:20 है, वो कितनी भी बड़ी हो अगर हमने देर कर दी तो कोई मतलब नहीं होगा। थोड़ी सी देरी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पड़ेगा, तुम नियम जानते हो ब्रूबेकर, रोड़ आधी रात को बंद हो जाता है, तब किनारे नहीं पहुँचे तो माना नहीं जाएगा। हाँ हाँ तब तक हो जाएगा, ठीक है फिर देखना मैं क्या करता हूँ। मरीना पर इसके बदले मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी। हम लोग आज इतनी बड़ी एम्बरजैक मछली पकड़ेंगे जो आज तक किसी ने भी नहीं देखी होगी, ठीक है? जरूरी थोड़ी है, वो ग्रुपर भी हो सकती है या मार्लिन या टायर। मुझे जो चाहिए होता है वो हासिल करके रहता हूँ। क्या बात है। अच्छा सुनो, कैमरा रखो और यहाँ आकर मेरी मदद करो, जल्दी आओ। हाँ अब ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम उन $30,000 के साथ क्या करेंगे? हम लोग अपनी नाव लेंगे, अपनी खुद की नाव, उसके बाद हम खुद कैप्टन बन जाएंगे। देखो मछली देखो, ये तो कमाल हो गया। पास आ रही है, तैयार हो जाओ, तुम जल्दी करो। नहीं नहीं नहीं, इसे पकड़ो क्योंकि वो बहुत ताकतवर है, तब तक मैं कुछ करता हूँ। बड़ी मछली लग रही है, ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाली। कोशिश कर रही हूँ। वो छूटनी नहीं चाहिए। मैं छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल, मैं उसे निकालने जा रहा हूँ, देखना गलती ना हो। आजा। मुझे वो दिख रही है। कहाँ गई? मेरी मछली को खा गई। तुम्हारी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बुरा हुआ, अब अगले साल फिर से कोशिश करना, शायद जीत जाओ। चाहो तो फिर से मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी मछली खाई है तूने, ले अब इसे खा। हिम्मत है तो बच के दिखा। मेरी नाव पर बंदूक नहीं, सुना नहीं? बहुत हुआ ब्रूबेकर। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, हमें उसे मारना है, जल्दी करो। जरा ध्यान से, तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। अब देखो मैं इस शार्क को कैसे मजा चखाता हूँ, देखो और सीखो। वो मुझे दो और तुम ये लो, तुम खाने की तैयारी करो, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। कहाँ छुपी है, सामने आ। ये अब मजा आया, मेरा नुकसान करेगी ये ले, आज तुझे कच्चा खा जाएंगे। तूने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। मुझे भूख लगी है ना, ये ले अब इसको। क्या बात है। तुम पागल हो गए हो क्या, ये फिशिंग नहीं है, तुमने उसकी हत्या कर दी, मैं तुम दोनों को जेल भेजवा दूंगा। छोड़ूंगा नहीं, मेरी मछली को शब्द और बोला तो मैं तुम्हें वापस किनारे पहुंचा दूंगा। उसे मार के बहुत मजा आया, अब पैसे खोने का दुख नहीं है। मदद करूं? चुप रहो। तो दोस्तों ये थी शानदार व्हाइट शार्क, दुनिया की सबसे खतरनाक शिकारी, जिसको हम दोनों ने मिलके खत्म कर दिया। विक्टोरिया।
बस हो गया हो गया हो गया, ठीक है ठीक है। तुम वो पानी देख रहे हो? हे सुनो, क्या मैं तुम्हारा जेट स्की चलाकर देख लूं? बिल्कुल नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ मैं चलाऊंगा। दे दो ना, मैं इसे खराब थोड़ी करूंगा। हाँ, क्योंकि तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। दे दो ना। तो पहले अपनी बहन से बात करो। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, उसे लगता है तुम एकदम बेवकूफ हो। मैं नहीं, तुम बेवकूफ। मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारी आंखों में देखेगा। हनी, आई टोल्ड यू इट्स ऑल अबाउट द टोटल पैकेज। You're never going to get anywhere with your prude mood or that hideous swimsuit. Where'd you get that thing anyway? Your grandmother's closet? What's wrong with it? कुछ नहीं, अगर तुम्हें लड़के पसंद नहीं है तो... Blaze, तुम्हें सूट कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसकी बात मत सुनो, खुश करने के लिए लोग कुछ भी कहते हैं। और मेरा कैसा है? Maximum material? Maximum jailbait. जेल बीट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो आपराधिक गुनेगारों से दूर रहता है। एवा, याद है तुम्हें, तुमने उस दिन दुकान में चोरी की थी? इसे उत्सुकता कहते हैं, मैं कुछ चुरा नहीं रही थी। अच्छा, जरा सोचो, कहीं इस उत्सुकता में तुम जेल न चली जाओ। तुम्हें तो अभी बताती हूँ, रुको, भाग कर रही हूँ। उसको जेल होनी चाहिए। कुछ लाया हूं। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में हमारा एक प्रयास है। स्मॉल पोर्ट के मेयर होने के नाते मैं मानता हूँ कि स्मॉल पोर्ट को सबसे आगे ले जाना मेरा अपना कर्तव्य है, और इसके लिए जो होगा मैं कर। They make such a cute couple. How come you're not out there? I'll swim. Don't or can't. There's a big difference. I don't swim. What's your sister's excuse? Why? You have a crush on her, don't you? So what if I do? She's only the most boring person who ever lived. Cicely, kya hua? Wo dekho. Wo dad ki naav hai. Oh yeah, that's cool. Wo charter lekar gaye hain. Phone karke pooch lo. What's wrong? She's always tripping. Can you hand me my phone, please? I'm telling you. Straight to voicemail. Where the hell is he? He's probably just down in the cabin. No, he never leaves the wheel. Looks like it's drifting in a dock a little bit. Chal kar dekhna hai? All right. No. Just chill, okay? We'll wait till Cameron gets back. Let's just keep playing. Seriously? I just bought those. Well, that's too bad. ये दोनों कहाँ जा रही है? Oh
Just once, it'd be nice if you would listen to me. You just hate that I beat you. Dad? Dad! Oh my God. Dad? ये डैड का है क्या? लग तो नहीं रहा. पर ये तो है. बंद करो बेवकूफ. सच में मजाक मत करो. उल्लू के पट्टे कैमरे. ये क्या है? टेलर ऐसे क्यों चिल्ला रही है? अरे शायद वो मुझे याद कर रही है. चलो चलते हैं. ये ठीक नहीं किया तुमने. बहुत गलत किया. ठहर गया चला. पतले भी हो जाओगे. लिफ्ट जाएंगे क्या? बचाओ. अच्छा तुम्हें लगता है मैं इससे डर जाऊंगा? हाथ धो अपना. क्या बकवास है? इसको मेरे अलावा कोई नहीं चला सकता. जेट स्की के अकेले मालिक का ये हाल क्या बात है? क्या मैं उसे चला सकता हूँ? बचाओ! क्या उसको किसी ने नहीं देखा? देखिए शांत हो जाइए. हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. अब बता दें क्यों नहीं? किसी चीज ने उसे पानी में खींच लिया. देखिए हम ये नहीं जानते हैं. हमारी तफ्तीश जारी है. हो क्या रहा है? तरह तरह की बातें कर रहे हैं. आप उस पर ध्यान ना दें. हमें नहीं पता. पता नहीं कैसे हो गया. हम तो बस यहाँ बैठे थे. और टेलर कहाँ गए? टेलर, टेलर, मेरी मदद तो करो. लगता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है. इन्हें हम पे यकीन नहीं. मुझे लगता है तुम्हारी दोस्त को शार्क ने मार दिया है. मुझे ये वही शार्क लग रही है जिसने काफी दिन से आतंक मचा रखा है. कहा ना वो पारदर्शी है. पारदर्शी? वाह क्या बात है. तो पारदर्शी से तुम्हारा मतलब जेलीफिश के जैसी है क्या? मतलब उसके आर पार देख सकते थे. मुझे इस शब्द का मतलब पता है. ऐसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा. मतलब एक लड़की गायब है, शायद मर गई हो, और एक नाव जिस पर कोई नहीं है. मुझे लगता है कि मुझे सच में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी. डैड भी नहीं रहे. अभी ये पक्का नहीं कह सकते, इसलिए उम्मीद मत हारो. वो नहीं रहे, टेलर भी नहीं रहे. पूरी नाव में खून ही खून था. ठीक है, मैंने भी जब मछली पकड़ी थी तो खून ही खून था. बिल्कुल तुम्हारा डैड की नाव की तरह. कल रात वहाँ एम्बर जैक था तो बड़ी मछली हाथ आई होगी. फर्क कितना है कि आप जिंदा बच गए. क्या आपको लगता है भूत होते हैं शरीफ? ये भूतों की बात कहाँ से आ गई फिंच? यहाँ से आई. आप जैसे लोगों की यही तो दिक्कत है शरीफ. सच का सामना करना ही नहीं चाहते जब तक देर ना हो जाए. भूत होते हैं उस झूठ जितने ही सच जिस पर ये शहर बसा है, और उस कीमत जितने ही सच जो हमने उस झूठ के लिए चुकाई थी. ये बात याद रखना. मेरी बात याद रखना. हाँ अगर तुम शराब पीना छोड़ दो तब शायद तुम्हारी बातें याद रखने लायक हो जाए.
वो ये सब क्या कह रहा था? मुझे नहीं पता है। देखो, मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारी दोस्त की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हूँ, साथ में तुम्हारी आंटी मार्च को फोन कर देता हूँ कि वो आके तुम्हें ले जाए। हम खुद चले जाएंगे। कैमरन, डैड, फिर से बताओ, क्या तुम जेट स्की पर थे? तुम ठीक हो बेटा? आखिर हुआ क्या था? मुझे नहीं पता, टेलर शार्क शार्क चिल्ला रही थी और अगले ही पल वो गायब हो गई। शार्क? स्मॉल पोर्ट में पिछले 20 सालों से किसी शार्क का हमला नहीं हुआ, तुमने खुद देखा? आपको यहाँ होना चाहिए था। शार्क के हमले की खबर लोगों में आतंक पैदा कर देगी, क्या तुम्हें पक्का यकीन है बेटा? अच्छा रुको, शेरिफ इधर आना। खाड़ी में जितनी भी शार्क है सब पर $1,000 का इनाम रख दो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पत्रकार आ जाएं और फालतू का हंगामा शुरू हो जाए। ये लिखकर यहाँ बोर्ड लगा दो कि समुद्र तट 24 घंटों के लिए बंद रहेगा। ठीक है, मैं शार्क के हमले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय मरे हुए लोगों के पास खड़ा रहना पसंद करूंगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, समझ गया। चलो बेटा। क्या मुट्ठी भर शिकारियों के दम पर आप कुछ नहीं कर सकते? ये सब हम लोग देख लेंगे, तुम जाके आराम करो, जो कुछ देखा उसके बारे में सोचना, हम इस पर कल फिर बात करेंगे। सुनो, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, चलो ना। सच में जरूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। पक्का? चलो आ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन लोगों ने शाक को मारा हो। बस यहीं तक है, वापस चलाइए। इसे दोबारा कैसे चला दे? रुकिए। अच्छा। हम दोनों ने मिलके खत्म कर दिया। रुक जाओ। ये वही शार्क है जिसको मैंने देखा था, इसकी एक आंख है और फिन में छेद है। मुझे भी इसी शार्क ने खाने की कोशिश की थी। मैंने जो शार्क देखी थी हम उसके आर पार देख सकते थे। फिर से वही बात, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। शार्क मर गई थी, इन लोगों ने मारा था। या बेहोश हुई हो, मरने का नाटक कर रही हो? हा? पर ये बताइए, किसी शार्क ने तीन लोगों को नाव पर आकर कैसे मारा? पुलिस फोर्स में सबसे आसान तर्क को सबसे सही माना जाता है। दो हैवानों ने एक सफेद शार्क को गुस्सा दिलाया, तुम्हारे पिता को इसकी सजा भुगतनी पड़ी। थोड़े दिन और देखते हैं। एवा, अगर कुछ पता नहीं चलता तो मैं लोगों के साथ मिलकर तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार करवाऊंगा। इसके लिए आपका शुक्रिया, लेकिन जिस शार्क ने टेलर और मेरे डैड को मारा वो कोई साधारण शार्क नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग परेशान हो, लेकिन हमें अपना काम पता है, हमें अपने हिसाब से काम करने दो। हो सकता है वो सही हो, एवा। वो शार्क जैसी दिख रही थी, शायद वो सूरज की रोशनी की वजह से हो। तुम्हारे डैड ने ये सब सिखाया है। शेरिफ, आपके लिए फोन है। हम बहुत दूर थे मार्टिन, सच में मैं उसे ठीक से देख नहीं पा। मरीना पर तुम पिलर बार्स को चेक करो। नहीं नहीं, मैं अभी वहाँ आता हूँ। सुनो, अपने दोस्तों की बात मानो, तुम्हें फिंच की तरह नहीं बनना है, क्यों है ना? क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? मुझे भूख लगी है यार, आज तो पूल पार्टी है, लोग मेरे घर में अब किसी भी मिनट आना शुरू हो जाएंगे। पार्टी? मैंने कहा था कोई भी किसी को भी बुला सकता है, अब पता नहीं कौन कौन मेरे घर सच में आने वाला है। तुम सच में पागल हो। अब इसको कैंसिल करने का एक ही तरीका है कि मैं पुलिस को बुला लूं। और मेरी बहन की फ्रेंड्स ह्यूस्टन से ड्राइव करके पार्टी में आ रही हैं। क्या बात कर रहे हो? मेरे घर पर पूल पार्टी है यार, पता नहीं पार्टी में सबका मूड कैसा होगा। हाँ, तुम्हें इस वक्त पार्टी की पड़ी है?
चलो यार बाहर चलते हैं। चलो तुम उनकी फिक्र बिल्कुल मत करो, वो बेवकूफ हैं। बताओ तुम लोग अब क्या करोगी? घर जा रहे हैं। तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, क्यों ना हम तीनों कहीं साथ चल के खाना खाते हैं, थोड़ा दिल बहल जाएगा। सुनो, जानती हूँ तुम मदद करना चाहते हो, पर शुक्रिया। देखो तुम मुझसे ये वादा करो कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर फोन करोगी, ठीक है? बाद में बात करूंगी। नहीं झेल सकती, वो पागल है। क्या कर रही हो? मिस्टर फिंच, एवा, हम दो मिनट बात कर सकते हैं? क्या चाहती हो? शेरिफ ने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है क्या? नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने कुछ नहीं देखा। पर आप तो लाइट हाउस संभालते हैं, है ना? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि समुद्र में जो कुछ भी होता है वो सब मेरी जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन कल आप कुछ बोल रहे थे कि आप भूतों के बारे में कुछ जानते हैं। जाओ यहाँ से। मैंने कहा था वो पागल है, वो कुछ छुपा भी रहे हैं। निगल गए। क्या कह रहे हो? तब तो तुम बहुत डर गए होगे। दरअसल मेरे पास एक चाकू था और मैंने उस चाकू से उस शार्क को बहुत मारा, सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया, लेकिन बेचारी टेलर नहीं बच पाई। तुम बहुत बहादुर हो। वो तो मैं हूँ। टैटू वाले, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। इधरा दिया फटाफट। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हारा फोन गिरा ना हो जाए। हटो मुझसे। मैंने कहा हट, दूर हट। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। ये कौन सा तरीका है? मस्ती करने आए हैं। ऐसा किसी फिल्म में देखा था? एमिली, आ जाओ आ जाओ, तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, वापस टेबल सेट करते हैं। देख के खुश रहो। हम साथ उनसे बचो। उसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे। देखना कौन है? तुम देखो, मैं कुछ कर रही हूँ। हाय। हाय। मैंने तुम्हें फोन किया था पहले। ओ, मैं तो। हेलो प्लीज। कैसी हो? तुम पार्टी के बारे में सही कह रही थी, वो बेवकूफी थी, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, ये वक्त मस्ती का नहीं है। मैं ये बात समझ गया हूँ, माफ करना।
कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आ गए, तुम्हें कुछ दिखाना है। हम दोनों ने मिलके खत्म कर दिया। मैंने मार्टिन के कंप्यूटर से चुराया जब वो बात कर रहे थे। बहुत अजीब है, तुम इतने आराम से कैसे देख सकती हो? देखा, इसका शरीर पारदर्शी है ना? तुम इसे देख रहे हो है ना? हाँ देख तो रहा हूँ, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है। मैंने कहा था मुझे नहीं पीनी है, गलती तेरी थी। पिला दी, क्या बकवास कर रहा है? सब जाओ, ये सब तेरा ही दिमाग खराब हो गया है। इनसे दूर रहो तुम, समझे? तू समझता क्यों नहीं? तुम लोग को लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो। हम लोग ये सब यहाँ मत करो, तुम मेरी पार्टी खराब कर रहे हो यार। क्या कर रहे हो तुम? क्या घर से बाहर निकल, सब क्या है यार? मुझे तो यहाँ तमाशा करना है। हेलो एवा, मिक फंस गया। हम किसका फोन है? मस्ती कर रहे थे और फिर अचानक मिक पूल में गिर गया और वो चिल्ला रहा था। मैं उसको बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो नहीं बच पाया। तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ। बाय। क्या हुआ? वो क्या हुआ? अब तुम मुझे साफ साफ बताओ, सच क्या है? तुम लोग किस तरह का नशा कर रहे थे? बेथ सॉल्ट, पीसीपी, या तुम लोगों का आपस में झगड़ा हुआ और एक दूसरे को मार रहे थे? सच सच बता दो, तभी मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। शार्क ने किया डैड। ये शार्क वाली बकवास करना बंद करो। मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? ऐसा कुछ है ही नहीं, और अगर तुम ये बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें जेल जाने से नहीं बचा पाऊंगा, समझे? सच में आपको मेरी फिक्र है इलेक्शन की? क्या आपको मेरी फिक्र है इलेक्शन की? देखो, तुम मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। हमारे घर में इस वक्त कटी हुई लाशें पड़ी हुई हैं और इस बात का जवाब मुझे देना होगा, मुझे। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, हिलना नहीं। शेरिफ, कहीं मत जाना, तुमसे बात करनी है। शेरिफ भैया, कैमरन को ले जाओ, उसे अलग कोठरी में रखना जब तक कि उसका नशा ना उतरे और वो सच ना बोले। ये उसकी सुरक्षा के लिए। सब चुपचाप करना। मैं नहीं चाहता कि हर तरफ ये अफवाह फैल जाए कि इन सब बातों के लिए वो ही जिम्मेदार है। समझ गए ना? कैमरन, कैमरन, क्या हुआ? वो मिक को ले गई यार और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अरे नहीं, वो आई कहाँ से? कैमरन आओ, हम थोड़ा घूम कर आते हैं। किस लिए शरीफ? बस तुम्हारे साथ थोड़ा घूमने जा रहे हैं बेटा, तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। पर मैंने कुछ नहीं किया। हमें मालूम है नहीं किया, पर शायद तुम कुछ मदद कर पाओ। तो आप यहाँ मौजूद दूसरे लोगों से क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने क्या देखा? मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए और टाइम नहीं है। ये बकवास नहीं है, ये सच है। वो कभी भी पानी में से निकल कर किसी को भी मार सकती है अगर आपने कुछ नहीं किया तो। शांत हो जाओ, हम जानते हैं तुम्हें फिक्र है,
लेकिन तुम अपनी ये बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। मेरी बात सुनी, मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको दिख नहीं रहा? चुप रहो, मैंने कहा जाओ यहाँ से। तुम भी चुप हो जाओ, कैमरन से दूर रहो और मेरे रास्ते में मत आओ। निकलो यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना। चलो चलते हैं। शेरिफ, शेरिफ आओ। चलो बेटा, आपको ये देखना चाहिए। ओ नहीं, मुझे ये हाथ वहां झाड़ियों के पास मिला है और ये कुछ ऐसा है जिस पर शायद आप यकीन न करें। घर से बाहर निकल, मुझे क्या तमाशा करना है। ये सच नहीं हो सकता। ये असली नहीं हो सकता, तुम्हें यकीन है? पता नहीं उस बेवकूफ को मेयर किसने बनाया है। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। रुको 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 रुको, चलो 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 चलो, ये सब हो क्या रहा है? रुको, रुक जाओ, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। हत्याओं के कारण पूरा स्मॉल पोर्ट दहशत में है। उसी कड़ी की सबसे नई वारदात समेत अब तक कुल 13 लोगों की हत्या हो चुकी है। इससे जुड़ी कुछ अफवाहों में एक ये भी है कि इन सभी वारदातों को अंजाम देने वाला हत्यारा एक जानवर है। असली गुनहगार को ढूंढने के लिए पुलिस को 3 लोगों की तलाश है जिनके नाम है एवा रीड, ब्लेस पार्कर और स्मॉल पोर्ट के मेयर फ्रैंक स्टॉल के बेटे कैमरून स्टॉल। ये तीनों 2 दिन पहले डेड मैन्स पॉइंट नामक जगह पर हुए शार्क के घातक हमले के चश्मदीद गवाह हैं। Yeah!
यहाँ घूमना मना है। हद है। दिखाई नहीं दे रहा, यहां आना मना है। कौन है अंदर? हे, बाहर आ जाओ, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। पास क्यों जा रहे हैं? हमें सबूत ढूंढना होगा कि हम पागल नहीं हैं। इसके लिए हम इस पागल के पास जा रहे हैं? फिर तो जरूर हम लोग फांसी पे चढ़ने वाले हैं। तुम आए ही क्यों? अब ये मैं भी सोच रहा हूँ, तुम लोग लाइट हाउस क्यों जा रहे हो? अरे वहाँ पर सांप बिच्छू होते हैं, काट लेंगे। एवा रुको, तुम लोगों को लग रहा है हम सही कर रहे हैं? सब तरफ नजर रखना। किस लिए? क्यों? सांप हो सकते हैं। अरे यार मेरे जूते। अब चलो। एवा रुको। क्या हुआ? लगता है वो घर पर नहीं है, हमें निकलना चाहिए। जबरदस्ती घर में तो नहीं घुस सकते। और अगर दरवाजा खुला हो तो? भाई ये तो अपराध है और मैं ये नहीं करूँगा। छोटी सी गलती है बच्चे, बड़े हो जाओ। चलो तुम बड़ी हो जाओ। हेलो, कोई है? सुनो एवा, यहाँ देखो। ये तो तहखाना है। अरे यार हम यहाँ नीचे क्यों आ गए? लगता है सब कुछ गिर जाएगा। भाई संभल कर, ये जगह खंडर हो चुकी है। बच्चों की तरह शिकायत करना बंद करो। हाँ ठीक है, तो मुझे डर लग रहा है ना भाई, पता नहीं हमें नीचे क्या मिलेगा, कौन होगा। एवा चलो, तू अपना मुंह बंद रख। चलो ये आदमी तो पूरा का पूरा पागल है। लगता है इसकी जिंदगी में हमसे ज्यादा परेशानियां हैं। उसे हाथ मत लगाना। मिस्टर फिंच, माफ कीजिए पर दरवाजा खुला था। इसे जबरदस्ती घर में घुसना कहते हैं? क्या कर रहे हो? शाक के बारे में जानने आया हो ना? मतलब आपको पता है क्या चल रहा है? शायद पता है। अच्छा, फिर इसे रोकने में मदद कीजिए। रोकने में? गुफा अपना हक वापस लेगी, उसके बीच में मत आओ। गुफा? हाँ बिल्कुल सही कहा, वो गुफा। वह सब बातें जुड़ी हुई हैं, वो इसे राज ही रखना चाहते हैं, पर मुझे पता है। आलस, ये तुम हो? मिस्टर फिंच, इसने तुम्हें एलिसन क्यों कहा? नहीं पता, इन्हें उठाने में मदद करो। हाँ। चलो उठाओ। बहुत भारी है, अब इसका क्या करेंगे? रुको, बस यहीं पर। आज के लिए बहुत मेहनत हो गई। मैं इवा बोल रही हूँ, अपना मैसेज छोड़िए। तुम आखिर हो कहाँ? पुलिस आई थी, उन्होंने कहा तुम उनके काम में दखल दे रही हो। वो मुझे परेशान कर रहे थे। इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, जल्दी से मुझे कॉल या मैसेज करो। हाँ।
सिसली, सिसली। रुको, रुको, एक मिनट, सिसली, एक मिनट, घबराओ मत, घबराओ मत, कुछ नहीं, आजा, 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 जगह खाली करो, हटो, क्या, हटो, जगह खाली करो, क्या है, हटो। पर कुछ बांधने के लिए दो, जल्दी ये जाओ, ये लो इसको पैर पर बांधो, थोड़ा साफ पानी लाओ। शांत हो जाइए आप लोग, ठीक है शेरिफ मार्टिन और मेयर स्टॉल, अभी आपको सब कुछ बताएंगे। अब तक कोई सुराग नहीं, तुम्हें अब तक उसे ढूंढ लेना चाहिए था। आपके बेटे को ढूंढना अभी मेरे लिए उतना जरूरी नहीं है। इस वक्त हमें इतने सारे आपातकालीन फोन आ रहे हैं जितने की हम संभाल ही नहीं सकते। लोगों को बता दे जो हमने वीडियो में देखा, उससे दो लोग पागल हो जाएंगे। फ्रैंक, खून और लाशों के टुकड़ों से भरी हुई एक कार मिली है, पूरा शहर अफवाहें सुनकर घबराया हुआ है। हेनरी, मेरी तरफ से ये बात पत्रकारों को बता दो कि लोगों की सुरक्षा ही मेरे लिए सबसे जरूरी है और उसके लिए जो भी चाहिए मैं करूंगा। इसका एक वीडियो बनवाओ और सारे चैनल्स पर उसे दिखाओ, लोग खुद ही समझ जाएंगे। जी सर। एवा रीड को फोन लगाओ और कहो कि कैमरन को अभी लेकर आए, वरना ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा, सबसे बुरा। आज और भी बुरा हो सकता है। हाँ, हेलो मार्टिन बोल रहा हूँ, हेलो हेलो। उसको मदद चाहिए। मैं पुलिस को नहीं बुला रहा, उसे डॉक्टर की जरूरत है। मैं ठीक हूँ। सुना तुमने, वो ठीक है? नहीं, वो नहीं है। बच्चों की तरह मत घबराओ, देख रहा है उतना ज्यादा बुरा नहीं है। ओ अच्छा, चलो फिर खड़े होकर चल कर दिखाओ। हाँ। देखा, मैं ठीक हूँ। ये देखो, ये खबर लगभग 9 साल पुरानी है। फिंच हमेशा से वैसा नहीं था जैसा हम समझते हैं। तो ये एलिसन है, फिंच की पत्नी। लिखा है कि वो ज्वार के वक्त लाइट हाउस के पास गुफा में डूब गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, सबने सोचा था उसी ने उसको मारा। तो यही है वो गुफा जिसके बारे में वो बोल रहा था। लगता तो है। हमें डैड की नाव कहाँ मिली थी और वो अजीब सी चीज कहाँ दिखाई दी थी? बिल्कुल फिंच के घर के बाहर। हमने फिंच को मैरीटाइम म्यूजियम जाते हुए देखा था, वहाँ लाइट हाउस से जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी चीजें और कहीं भी नहीं है। ये तुमने सही कहा। मैं समझ गया। क्या? ये चीज पानी में दिखती है, किसी भी पानी में, है ना? मतलब जब तक उस चीज को पानी नहीं मिलेगा वो आ ही नहीं सकती। हमें बस सूखा रहना है और वो कुछ नहीं कर सकती। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो। रुको, रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ। नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ तुम यहीं रुको। क्या सच में? हमारी खातिर रुको, मान जाओ। चलो, तुम सच में ठीक हो ना? हाँ, बहुत अच्छे। हमारे जाने तक रुको और फिर दरवाजा खोलना, ठीक है? बताना मत कि हम आए थे। दरवाजा खोलिए, पुलिस, पुलिस दरवाजा खोलिए। जल्दी करो। इंजन बंद करो। आप फिर से आ गए? कहा ना वो लोग यहाँ नहीं है। चाहे तो एक बार फिर से तलाशी ले लीजिए, दरवाजा खुला है। तुम गाड़ी चलाने के लिए थोड़ी छोटी नहीं हो? ड्राइविंग लाइसेंस के हिसाब से तो नहीं। यहीं रुको, कहीं जाना मत। Thank you.
सब जुड़ा हुआ है और ये गुफा भी है कि नहीं? लेकर रहेगी, इसे रोकने में हमारी मदद, हमारी मदद करो। अरे नहीं, वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलते। मेरे पास यहाँ मेरे डैड के कैबिन की चाबियाँ हैं। क्या तुम लोग कभी रिज में गए हो? भागने से कुछ नहीं होगा, बस और ज्यादा लोग मरेंगे, उसे खत्म करना होगा। पर कैसे? कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है। अब ये सब क्या हो रहा है? बिल्डिंग को गिरा रहे हैं, मेरे डैड के नए कारोबार का हिस्सा है ये। ओ अच्छा, कैसा चल रहा है सब? तुम गाड़ी चलाओ यार। तुमने तो सिगरेट छोड़ दी थी। हाँ छोड़ दी थी। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं बाद में मिलता हूँ। मैं उधर देख कर आता हूँ, ठीक है? एवा, जरा यहां आओ। वाह, जरा यहां आओ। देखो यहां क्या लिखा है। लाइट हाउस 1897 में बनाया गया था, जब कई जहाज चट्टानों से टकराकर तबाह हुए थे। शायद इसीलिए इसे डेड मैन्स पॉइंट कहते हैं। पर ये सच नहीं है। हाय, क्या आप लाइट हाउस के पास वाली गुफा के बारे में जानते हैं? तो तुम्हें लगता है कि शहर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे पुरानी भूतों की कहानियां हैं? ऐसा ही लगता है। क्या तुम दोनों ने खोई हुई रोनो कॉलोनी की कहानी सुनी है? हाँ, 200 साल पहले कैरोलिना में उस कॉलोनी में रहने वाले लोग बिना किसी सुराग के गायब हो गए तो थे। तुम जानती हो, अगर मैं कहूँ कि वैसी ही घटना यहाँ भी हुई थी तो? पर मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्योंकि शहर के लोगों ने इसे छुपाने की पूरी कोशिश की। 1803 से पहले स्मॉल पोर्ट स्पेन के एंसानडो काबो का राज्य था, और ये डायरी इस राज्य की उस वक्त की बातों का जिक्र करने वाला एक बहुत बड़ा मौजूदा दस्तावेज है। और रोनोक की ही तरह अचानक यहाँ के सारे लोग गायब हो गए बिना किसी सुराग के। मरिया, जिसने ये लिखा था, वो मानती थी कि इसमें पारलौकिक शक्तियों का हाथ है। एक मिनट, पारलौकिक का मतलब क्या है? पारलौकिक का मतलब भूत। आप ये सब मानते हैं? नहीं नहीं, शायद किसी तरह की महामारी होगी और मरिया ही शायद सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आई होगी। मैं तो ये मानता हूँ कि ये सारी कहानियाँ दिमागी बुखार के प्रभाव में लिखी गई होंगी। तो गुफा की बात कहां से आई? मरिया के लेख की शुरुआत तब होती है जब कुछ बीमार लोगों को इकट्ठा करके इस गुफा में लाकर मार दिया गया था। मरिया यहां लिखती है कि हत्याओं के तुरंत बाद मरे हुए लोग उठ खड़े हुए और शहर को तबाह कर दिया, और अचानक ये लेख बीच में आकर खत्म हो जाता है। जो भी इस गुफा में बेदर्दी से मारा गया है वो एक दिन उठ खड़े होगा। छूना नहीं, ध्यान से। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो एक यादगार चीज है, जादू की किताब, जिसमें बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि किसी बदले की आग में जलने वाले भूत को नरक कैसे भेजा जाता है। हाँ? वो गायब हो गई। पर यहाँ आखिर था क्या? जादुई किताब, वो यहीं पर इस बॉक्स में रखी हुई थी। वो आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। कौन है? लाइट हाउस का रखवाला डैनियल फिंच। हमारे अलावा आज यहाँ सिर्फ वो ही आया था। फिंच। हेलो,
सारी चीजें भीग जाएंगी। पानी यहाँ आकर मेरी मदद करो। यहाँ पर क्या हुआ? सुनो कैमरन, क्या किया तुमने? क्या करो? तुम्हारी वजह से सब हुआ है। मेरी गलती नहीं है। छोड़ो इसे। मन कर रहा है मार मार के मुंह तोड़ दूं। ये सब छोड़िए, यहाँ से चलिए, आ जाइए। सुनो, अपने पीछे देखो। लाइट हाउस। जाइए। कैमरन भागो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। शहर में हर कोई परेशान है और मैं ये बात समझ सकता हूँ, लेकिन मेयर का इलेक्शन पास आ रहा है, तुम जानते हो ना शेरिफ, अगर मैं हारा तो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। इस वक्त भी आपको अपनी पड़ी है। सोच रहे हो, पर मेरे नजरिए से सोचो तो। हेनरी, यहाँ दो लोगों की मौत हो गई है मैरीटाइम म्यूजियम में। हाँ, उन्हें कहिए कि अंदर जाने से पहले स्प्रिंकलर्स को बंद कर ले। अब ये यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? गाड़ी नहीं चला सकती हो? चला सकती हूँ, बस मेरे पास लाइसेंस नहीं है। वापस घर जाओ। कैमरन कहाँ है? उससे तुम्हें क्या करना है? तुम बस मेरी बात मानो और जल्दी घर जाओ। पर क्यों? घर भी सुरक्षित नहीं है। पर जहां हम जा रहे हैं वहां ज्यादा खतरा है। मुझे मदद करने दो। तुम आराम करो और पानी से बचो, बस यही मदद होगी, ठीक है? क्या तुम इसे घर छोड़ दोगे? हाँ। पर तुम कहां जा रही हो? मुझे जल्दी से कहीं पहुंचना है और मैं नहीं चाहती कि किसी मुसीबत में पड़े। कैमरन को क्या हुआ? मुझे लाइट हाउस पर मिलो। तुम्हें लगता है ऐसा करना ठीक होगा? नहीं, लेकिन फिंच के पास वो किताब है और उसे रोकना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब क्या कहूँ? सच में नहीं, नहीं, मैं बता दूंगा। फ्रैंक, हमने कैमरून को ढूंढ लिया। क्या बात है, उसे साथ लाए? नहीं फ्रैंक, मैरीटाइम म्यूजियम में दो लोगों की मौत हो गई है, उनमें से एक कैमरून है। मुझे अफसोस है। क्या रे की नाव अभी भी वही है? रे की नाव? हाँ, शायद वही है। क्यों? तैयार हो जाओ, हम शिकार करेंगे। फ्रैंक, अर्लीन, मेरा आने तक यहाँ पर सब कुछ संभाल के रखना। जी सर। मैं
पर हमें तो जवाब चाहिए। सर रुकिए, मेरे एक सवाल का जवाब देने चाहिए। फ्रैंक, 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 रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। फ्रैंक, तुम दिमाग से नहीं सोच रहे हो। नहीं, तुम समझ नहीं रहे, अब कुछ करना ही होगा। अब हम उसे ढूंढेंगे और खत्म कर देंगे शेरिफ, और तुम मदद करोगे। ये पागलपन है, तुम्हें बदला लेना है। लो फ्रैंक, पर इस वक्त तुम बदला, तुम्हें लग रहा है मैं बदला ले रहा हूँ? मुझे बदला नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए। सेंज! सेंज! मुझे पता है वो किताब तुम्हारे पास है, हमें बात करनी होगी। ये बच्चे अब यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है इसे ठीक करने अभी तक कोई नहीं आया। ए, पानी से दूर हटो, हटो तुम लोग। ये लड़के मुझे ठीक नहीं लग रहे। बच्चों मेरी बात सुनो, तुम सबको पानी से दूर रहना होगा। अब तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, एक शार्क है। पता है सुनने में अजीब लगेगा, पर तुम सबको यहाँ से निकलना होगा। हमें कोई नहीं बताता क्या करना है। देखो मेरी बात सुनो, सब के सब अभी के अभी यहाँ से निकलो। तुम नहीं, तुम निकलो। ठीक है, तुम ठीक हो? बड़ी मुसीबत आने वाली है। हाँ तुम सच कह रहे हो। अजीब चीज को खुद देखना चाहता हूँ। मैं भी, पर मुझे नहीं पता कि वो हमें यहाँ मिलेगी या नहीं। जब शुरू यहाँ हुआ तो खत्म भी यहीं होगा। और अगर वो दिखाई नहीं दी तो? दिखाई क्यों नहीं देगी? मुसीबत है। मुझे पता था तुम आओगी, बहुत जिद्दी हो तुम। आपने ढूंढ ली? हाँ, उसका शरीर मिल गया। अरे ये किताब आप म्यूजियम से लाए ना? तुम इससे क्या, छोड़ो। मुझे चाहिए शार्क को रोकने के लिए। जानती हो मैंने ये क्यों चुराई? मैं नहीं जानती। एलिसन को नुकसान पहुंचाए बिना शार्क को मारने का तरीका खोजने के लिए। आपकी पत्नी अब नहीं है। गलत। अच्छा तो कहाँ है वो, और वो आखिर यहाँ क्यों होंगी? चुप रहो, मुर्दों से बात करना नहीं। ये
यहाँ कुछ अलग भाषा में ही लिखा हुआ है और मुझे पता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि एक आत्मा को ताबीज का सही तरीके से इस्तेमाल करके दूसरी दुनिया में भेजा जा सकता है, जो उसी से बना हो जिससे हत्या हुई। तुम तो काफी होशियार हो एवा। और आप भी। तो हम इसे इस्तेमाल करें। उम्मीद है यही वो हथियार हो। नहीं नहीं, इस डर को दुनिया में तुम्हारे डैड लाए थे, अब तुम्हें इसे वापस भेजना है। कुछ दिखाई दिया? वो जानती हम आ रहे हैं। हाँ? वो डरी हुई है, उसको पता है कि हम उसे मार डालेंगे, वो बच नहीं सकती। फ्रैंक, बेसिर पैर की बात मत करो। तुम चुप रहो, चारा डालना शुरू करो। तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैंने कहा चारा डालो। हमें चारा डालने की जरूरत नहीं, हम खुद ही चारा हैं। हम अब तक जिंदा हैं तो सिर्फ इसलिए कि उस जानवर को अब तक भूख नहीं लगी। वही तो बात है, अगर मारना है तो मरने के लिए तैयार रहो। बस बहुत हो गया फ्रैंक, मैं अभी इस नाव को वापस घुमा रहा हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? चारा डालते रहो वरना खोपड़ी में छेद कर दूंगा। उसे बुलाना होगा। कैसे? क्या हाथ से इशारा करूं? एक मिनट, जरा वो मुझे दो। रुको, मैं दिखाता हूं। क्या कर रहे हो? ए, कौन है? शांत हो जाओ फिंच। तुम इसे यहाँ क्यों लाए? तुम यहाँ पानी में क्या कर रही हो? हमें पता है उसे कैसे मारना है। कैसे? इस चीज से बचे। तो तुम भूत को इस चीज से मारोगे? हाँ, ऐसा ही समझ लो। वो देखो वहाँ, वो रही। उस तरफ जाओ। एवा, एवा पानी से निकलो। नहीं नहीं, घबराओ मत, तुम वहीं रहना। एवा, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। एवा, एवा क्या कर रही हो?
ठीक हो? मैं हूं तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। जितना सोचा था उतना आसान नहीं था। कुछ तो है जो मैं भूल गया। इसे गलत तरीके से देख रहे हैं। क्या मतलब? वो लोग जो यहाँ 18वीं सदी में मारे गए थे, उन सब की ऊर्जा अभी भी इस गुफा में है। हमें इस गुफा को ही तबाह करना होगा। ऐसा करने के लिए हमें बहुत सारा बारूद चाहिए। जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? ऐसी बातें मत करो। आते हुए हम एक निर्माण स्थल से गुजर रहे थे, वो विस्फोट कर रहे थे, उनके पास बारूद। कोई कुछ भी नहीं उड़ाएगा, भूल जाओ। देखिए फिंच, मुझे आपकी पत्नी के लिए अफसोस है, लेकिन उन्हें मरे हुए लंबा अरसा हो गया है, और अब हमें शहर के उन लोगों को बचाना है जो अभी जिंदा है। वो भी जिंदा है बेवकूफ, दूसरी दुनिया में। ए, वो मुझे दो। रुकिए, अपनी जगह से हिलिए। मैं उसे फिर से नहीं खो सकता, समझे तुम लोग? ये नहीं हो सकता, मैं नहीं होने दूंगा। आपकी गलती नहीं थी, वो डूब के मरी। नहीं, मैंने उसे मारा, मैंने मारा उसे। उसे खूबसूरत चीजें ढूंढने का शौक था, उसके लिए वही खजाना था। जब भी समुद्र में ज्वार आता तो टूटे गहने और डूबे हुए जहाजों की दूसरी चीजें ऊपर आती और वो सब गुफा में इकट्ठा हो जाती थी। उस तरह की मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, पर हमेशा उससे झगड़ता था, खासकर जब हम दोनों शराब पीते थे। हम दोनों का रिश्ता खराब होता जा रहा था, और हैरिसन जब मैं उसे चिढ़ा देता था तो वो और हिंसक हो जाती थी। मैंने आपा खो दिया, और जब तक मैं समझ पाता कि मैंने क्या कर दिया, बहुत देर हो चुकी थी। मैं लाइट हाउस की तरफ भागा, शेरिफ से कहा कि एलिसन गुफा में थी, तभी समुद्र में ज्वार आ गया। सबने सोचा वो डूब गई, पर हमेशा मुझ पर शक किया। सब कुछ दिल में छुपा कर रखना ही मेरी सजा थी। पर एक बात मुझे राहत देती थी कि उसने जरूर मुझे माफ कर दिया होगा। वो समझती होगी कि मैं उस वक्त अपने आपे में नहीं था। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वो बदला लेने नहीं आती, उन रहवासियों की तरह, उस शाक की तरह? क्या आप एलिसन की आत्मा की वजह से गुफा को नहीं उड़ा रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? आपका क्या मतलब है? ये देखो, देखो, देखिए। मैं उसे दोबारा नहीं खोऊंगा। देखिए फिंच, मैं आपका दर्द समझती हूँ सच में, पर मैं सिर्फ आपकी झूठी तसल्ली के लिए मासूम लोगों को मरने नहीं दूंगी। चाहे आप मदद करिए या नहीं, मैं ये करूंगी आपके साथ या आपके बिना। माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा, मुझे माफ कर दो। चलो अब वो किताब दो। आप गलती कर रहे हैं। वो किताब दे दो, वरना और भी तरीके हैं, मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा। हम मदद कर सकते हैं। खोलो। दूर हटो। तुमने ये सब कहाँ से सीखा? इंटरनेट से। बस हो गया, खोल गया। क्या मैं चलाऊं? नहीं। क्या मैं चलाऊं? नहीं। हेलो,
शरीफ, कोई है यहाँ पर? Son of a bitch. Yeah. यही है वो जगह, हम पहुंच गए। ताला लगा हुआ है, कूद कर जा सकते हैं पर उसमें खतरा है। अंदर पहुंचा सकती हो? बिल्कुल नहीं, यहाँ के ताले ऐसे नहीं खुलते। फिर तो इसे तोड़ना पड़ेगा। निजी संपत्ति का नुकसान, विस्फोटक पदार्थों की चोरी, तोड़ फोड़, जबरदस्ती अंदर घुसना। अगर हम जिंदा बच गए तो जज को बताना। तोड़ दो। चलो। मैं देखता हूं। जल्दी करो, चलो निकले। ये मजेदार था। रहना ठीक है। जल्दी करो। हमें ये करना ही होगा। हाँ जानता हूँ, मैं भी मदद करने आया हूँ। चलो शुरू करें। दूर जाओ। बस एक और। ओके, हो गया। एक फ्यूज ठीक रहेगा? हाँ, एक के बाद एक जलते जाएंगे। तुम्हारे पास लाइटर है? चलो जल्दी करो। लाइटर भीग गया है। प्लीज, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलो। अपने सामने देखो।
मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं तैर नहीं सकता। देखते हैं कौन जीतता है। निक के लिए बुरा लग रहा है और टेलर के लिए भी और तुम्हारे डैड के लिए भी। ओह खैर छोड़ो। वैसे आज कौन सा दिन है? शायद मंगलवार। तो मतलब अच्छा दिन है।
this movie is encoded by Dr. Star. Thank you.